हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेंटिंग मेथड के बारे में। तो इंडेंटिंग मेथड क्या होती है, उसमें कौन कौन से टूल्स लगते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके लिए लगेगा एक खाली पेन जिसमें रिफिल ना हो, और एक पेंसिल कोई भी लीड वाली भी लगेगी, और एक जो ग्रेफाइट वाली आती है शेड वाली। तो मैं अप्सरा की 6 भी यूज़ करूँगा इसमें बताने के लिए आपको। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं 5 रुपये वाली को। तो आपको क्या करना है, पेन से जो खाली पेन होता है उससे आपको लाइन लगानी है पेपर में, थोड़ा डेप्थ लाना है उसमें, यानी थोड़ा गड्ढा जैसे करना है आपको। पेपर मोटा यूज़ करना, मैं तो ब्रस्ट्रो का ड्राइंग पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे लाइन लगा रहा हूँ इसमें, 180 GSM का GSM का पेपर है ये। जैसे लाइन लगाना है आपको, और फिर आपको पेंसिल से ऐसे शेड करना है। लीड पेंसिल से बहुत लोग करते हैं, पर मेरी लीड अभी शार्प नहीं है तो उससे इतना अच्छा नहीं हो पाया, तो मैं अभी आपको शेड वाली पेंसिल से करके दिखाता हूँ। तो ये शेड वाली पेंसिल, तो मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसमें। तो मैं पेंसिल सीधे लाइन लगा रहा हूँ सिंपली, तो मैं जैसे लाइन लगा रहा हूँ वैसे आपको भी लाइन लगानी है बस। और आपको जो शेड वाली पेंसिल होती है वुडन पेंसिल, उसे आपको बस शेड करना है। जैसे मैं शेड कर रहा हूँ वैसे आपको भी शेड करना है, बस जहाँ जहाँ आपका गड्ढे हुए हैं पेंसिल पेन की लाइन लगाने की वजह से, तो वहाँ वहाँ देखिए वहाँ वहाँ ग्रेफाइट आपका नहीं भरा है और बाकी जो है आपका हो गया है। मैं वैसे इतना ज़्यादा इंडेंटिंग का मेथड यूज़ नहीं करता, मैं तो मोनो इरेजर का यूज़ करता हूँ हाइलाइट्स के लिए। ये बेसिकली हाइलाइट्स के लिए ही यूज़ होती है, पर इसमें कई सारे टूल्स लगते हैं जो कि मेरे पास नहीं है। मैं तो खाली पेन ही यूज़ कर लेता हूँ, नेल कटर के पीछे जो आता है उसको भी कभी कभी यूज़ करता हूँ, पर पेन बेस्ट है खाली पेन। तो आप भी खाली पेन ही यूज़ करो, कोई ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप टूल्स ही खरीदो। तो फिर से मैं आपको हेयर्स में कैसे हाईलाइट करने वैसे बता रहा हूँ, उतना अच्छा तो मेरे से नहीं बनता क्योंकि मैं मोनो इरेजर का बेसिकली यूज़ करता हूँ। तो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया हेयर्स में, पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ उससे मतलब सिंपली कैसे करते हैं। वैसे मैंने लाइन लगाई जिस डायरेक्शन में हेयर होते हैं, मैंने तो वैसे वो कर्ली हेयर्स में ही किया ऐसे। तो शेड ऐसे करना है क्योंकि मेरे से शेडिंग नहीं आ रही अभी हेयर्स में, इस तरह से मैं कभी नहीं करता, मैं सीधे स्ट्रोक्स लगाता हूँ। तो अभी उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो पाया मेरे से, पर हाँ आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी आ जाएगी। अदर और भी वीडियोस आप YouTube में जाके देख सकते हो, मेरे से जितनी इंडेंटिंग आती है मैंने आपके सामने रख दी। तो मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है, यू कैन सी दैट। तो मैंने ऐसे शेड कर लिया है, और यहाँ पे आपको हल्का हल्का आउटलाइंस दिखती होगी, मैं पेंसिल से इसको पॉइंट भी करके दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको दिखता होगा ऐसा। तो बस इसके लिए आपको एक पेंसिल, एक खाली पेन, बस इतना ही कुछ आपको लगेगा। अगर आप चाहें तो कुछ और मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप दुकानों में पता कर सकते हैं इंडेंटिंग के लिए जो टूल्स आते हैं। मैंने तो कभी आज तक यूज़ नहीं किया ना देखें, मैं तो पेन ही यूज़ कर देता हूँ खाली। So if you guys enjoyed this video, give it a big thumbs up and thank you so much for watching. Bye.